आप सभी को मेरी नमस्ते। मेरा नाम अभास सैनी है और वर्बल मैथ्स बाय अभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जो आपका CDS का एग्ज़ाम हुआ था 18 नवंबर को, वो मैं आपको करवा रहा हूँ और उसके एलजेब्रा क्वेश्चंस, जो एलजेब्रा के ऊपर क्वेश्चंस आए थे वो करवा रहा हूँ। देखिए, हमारा जो टोटल फोकस है वो SSC पे है, ठीक है। और SSC में जो सिलेबस आता है वो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से टॉपिक हमारे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो SSC के हिट टॉपिक होते हैं। तो उसमें से एक एलजेब्रा बहुत हिट टॉपिक होता है। प्री में भी मिनिमम 3 क्वेश्चन आते हैं और मेंस में तो आप लगा लो कि कम से कम 8 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, 8 से 10, ठीक है। तो आप ये मान के चलो अगर 10 क्वेश्चन आते हैं और ये 3, तो आपके 26 मार्क्स इसी चैप्टर से आते हैं। तो आप एलजेब्रा कैसे हम परफेक्ट करें, तो एलजेब्रा कैसे परफेक्ट करोगे, या तो जो बुक्स प्रेजेंट है उसी में से प्रैक्टिस करोगे, या फिर जो आपके करंट एग्ज़ाम होते हैं, करंट एग्ज़ाम्स होते हैं और जिसके अंदर एलजेब्रा पूछा जाता है, तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा एंटरटेन करके रखो, नज़र रखो कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सा नहीं पूछा जा रहा। चलिए, अब आते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। देखिए, उससे पहले मैं बता दूं, ये आप डायरेक्टली हिंदी में एक स्टूडेंट है हमारे, उन्होंने भेजा था, फोटोज़ भेजी थी हिंदी में, तो आप भी हमें भेज दीजिए। अगर आपके पास इंग्लिश में, अगर आपने एग्ज़ाम दिया और इंग्लिश में है और साफ फिक्स है, साफ मतलब कुछ लिखा ना हो बस, तो आप हमें भेज दीजिए। और ईमेल आईडी पे, मैं ईमेल आईडी दे देता हूँ अपनी, आप मेरी ईमेल आईडी पे दे दीजिए, या फिर आप मुझे टेलीग्राम, या तो टेलीग्राम इस पे दे दीजिए, ये टेलीग्राम है @abhas_saini पे, या फिर ईमेल आईडी है abhassaini.b@gmail.com। तो आप यहाँ पे हमें भेज सकते हैं अगर आपने इंग्लिश में आपके पास प्रेजेंट है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं आपके लिए साफ साफ। x की पावर a फर्स्ट इक्वेशन, y = z की पावर b सेकेंड इक्वेशन, z = x की पावर c थर्ड इक्वेशन। देखो, वैल्यू पुटिंग वगैरह से आप कर लोगे और उससे हो सकता है कि ऑप्शन में 2 फंस जाएं, ये सब चीज़ें हो जाएं। तो मैं आपको पहले, देखो हर एक क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग नहीं करनी चाहिए और ऐसा भी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन ट्रेडिशनल से करना चाहिए, तो वो प्रैक्टिस से धीरे धीरे आता है, लेकिन आपको ट्रेडिशनल आना चाहिए, मतलब बेस मेथड तो आना ही चाहिए। अभी एक क्वेश्चन है, मैं उसमें आपको वैल्यू से ही करवाऊंगा क्योंकि वो क्वेश्चन फंस सकता है, तो आप उसको जल्दी करके निकलना है आपको। देखो, आपको कंपटीशन में अच्छा स्कोर करना है तो आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा आपको अंदाजा होना चाहिए। चलिए, अब देखिए, ये क्वेश्चन है, मैं किसी भी इक्वेशन से स्टार्ट कर देता हूँ और देखो, मैंने मान लो बी इक्वेशन, मैंने कोई भी एक इक्वेशन से, आपको बिल्कुल डरना नहीं है क्वेश्चन करते हुए और आपको कैलकुलेशन समझनी है बस कैसे होती है। देखो, अगर y = आपका z^b है, तो मैं अगर यहाँ पे y^1/b ले लेता हूँ, तो यहाँ पे भी 1/b हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि z की वैल्यू आ गई y^1/b। अब अगर z की वैल्यू निकाल दी तो आप थर्ड इक्वेशन में डाल सकते हो, वही कर लेते हैं। z की वैल्यू अगर आप थर्ड इक्वेशन में डालते हो तो देखिए, z = x^c दे रखा है आपको, तो आप क्या कीजिए, अगर मैंने पहले x की वैल्यू, मतलब यहाँ से मैंने क्या करा, मैंने ये वैल्यू पुट कर दी पहले x की वैल्यू, ठीक है। z की वैल्यू तो मुझे पता है क्या है, मैं z की जगह क्या ले सकता हूँ, y^1/b और x की जगह मैं कह सकता हूँ y^a और यहाँ पे c। तो अब देखो ये क्या आ गया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये क्या आ गया, ये आ गया y^1/b = yac। तो ठीक है, अगर ये बेस सेम है तो आपका मतलब ये जो पावर है वो भी सेम होगी, तो बस 1/b = ac है और 1 = abc आ गया। तो ये ऐसे होना चाहिए था, ठीक है, इसको स्टार कर लो, ज़रूरी नहीं है आप इस तरीके से कर रहे हो। लेकिन एक चीज़ याद रखो, जब आपने शुरू कर दिया ना, अब हर एक चीज़, मतलब मेरे को, मैंने देखो जैसे निकाला z को y के टर्म में निकाला और यहाँ पे z x की टर्म में ऑलरेडी है, तो मेरे को x को मैंने y के टर्म में निकाल दिया। अब यहाँ से तो आपने क्या करा, सारी चीज़ें y के टर्म में लिख दी। अब आप क्या कर सकते हो, सारी चीज़ें x की टर्म में भी लिख सकते हो, ये सारी चीज़ें z की टर्म में भी लिख सकते हो। तो आप उस चीज़ में डरिए मत, आप शुरू कर दीजिए और क्वेश्चन खत्म अपने आप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपने देखा भी होगा अगर आपने अच्छी सी प्रैक्टिस कर रखी है, लेकिन इसके मेथड्स आपको पता नहीं कैसे याद रहते हैं या नहीं रहते, वो देख लीजिए आप कैसे करोगे। देखो, x³ चाहिए मुझे, अब यहाँ तो भाई x है तो मुझे कुछ ना कुछ क्यूब करना पड़ेगा। अब अगर यहाँ पे, अगर मान लो मैंने LHS में क्यूब किया तो RHS में भी क्यूब करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन है मेरा x = 2 + 2^2/3
प्लस टू रेज टू पावर 1/3, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने पहले तो मैं कोशिश करूंगा कि इधर आ जाए, मतलब मेरा x माइनस टू हो गया और यहां पे 2 रेज टू पावर 2/3 प्लस 2 1/3। ये क्यों किया यार, देखो आपको a प्लस बी और a माइनस बी का होल क्यूब पता होता है अच्छे से, हालांकि a प्लस बी प्लस सी के कंपैरिजन में, ठीक है ना, a प्लस बी प्लस सी के क्यूब के कंपैरिजन में आपको ये पता होते हैं। ठीक है, ये मैंने रफ में लिख दिया था, थोड़ा सा जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या करा, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, यहां पे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब देखो यहां पे क्यूब करोगे, अब आपको पहले मैं यहां पे कुछ फॉर्मूले लिख देता हूं। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, यही आपका आ गया। ठीक है, a माइनस बी, ये a प्लस बी आएगा। ठीक है, और यहां से अभी आप, मैं बता भी लूंगा कि कैसे पकड़ते हैं, ये a प्लस बी का होल क्यूब कैसे लिखोगे, a क्यूब सब कुछ प्लस में, प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और यहाँ पे a प्लस बी। ठीक है, अब देखो मैं इसमें अगर मैं क्यूबिंग कर रहा हूं तो मतलब इसका क्यूब और इसका क्यूब, तो देखो ये तो आपका रफ था। अब देखो a क्यूब मतलब x क्यूब और 2 का क्यूब 8 माइनस 3ab मतलब 6x और फिर उसके बाद सेम टू सेम जो आपसे पूछा जाता है वो लिख दिया आपने। ठीक है, a प्लस बी लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो आपका ये मतलब यही टर्म आ जाती है एक्चुअल में, क्योंकि आपने इसमें क्या होता है, अगर मैं इसको नेगेटिव कर दूंगा ना, यहां पे अगर मैंने मान लो यहां पे मैंने a माइनस बी लिख दिया होता तो आप क्या करते कि जो b तो ऑलरेडी नेगेटिव में, तो आप वहां पे कंफ्यूज हो सकते थे, तो आप सीधा लिखो। अब देखो आगे, अब इसका a प्लस बी का होल क्यूब सीधा, अब आपने क्या करा, इसका क्यूब करोगे, मैं लिख देता हूं एक स्टेप 2/3 का इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में वही चीज जो आपकी थी 2/3 प्लस 2 1/3, ये एज इट इज। ठीक है, अभी आपने फर्स्ट स्टेप लिखा, वैसे आप इस चीज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि मैं सीधा इसको ऐसे लिखता जो दे रखा था और अगले स्टेप में लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए लिखना पड़ेगा। ये एक्स क्यूब और ये आपका 8, यहां पे देखो माइनस 6x स्क्वायर और यहां पे प्लस का 12x, ये तो हो गया सॉल्व। अब देखो यहां पे 2 रेज टू पावर 2/3 × 3 अगर आप करते हो, मतलब 2/3 × 3 करते हो तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहां पे 2 की पावर 2 मतलब 4 प्लस, अब 2 रेज टू पावर 1/3 × 3 करते हो तो फिर से कट जाएगा, तो मतलब 2 प्लस। अब देखो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, अगर 3 × 2 की पावर 2/3 × 2 की पावर 1/3, ये तो इन दोनों का बेस सेम है, तो मैं 2 की पावर 2/3 + 1/3 करता हूं तो 3/3 = 1, तो मतलब 2 की पावर 1 आ जाएगा, मतलब 2 × 2 का 2, तो यहां पे 3 × 6 और ये इसकी जगह क्या लिख दोगे, ये x माइनस 2 जो आपको, क्योंकि देखो ना ये किसके इक्वल है, ये आपने यहां से देखो इक्वेशन 1 से देखो, आप अगर इन दोनों की वैल्यू निकालनी है तो x माइनस 2 निकलेगी, तो मैंने x माइनस 2 कर दिया। बस एक स्टेप और लिख दो, ये एज इट इज लिख दो, मैं आपको प्रॉपर ओपन करके बता रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। यहाँ पे 6 आ गया और यहाँ पे 6x आ गया और यहाँ पे माइनस 12 आ गया। ठीक है, अब बस इसको आप देखोगे तो ये रफ है। ठीक है, तो x क्यूब एज इट इज माइनस 6x² यहाँ पे भी था, माइनस 6x² यहाँ पे भी आ गया और 6x चाहिए आपको तो 12 यहाँ से और यहाँ से यहाँ, तो प्लस 6x आ गया, तो बचा इक्वल्स टू, बस सारी चीजें यहां ले जाओ, 6 में से 12 माइनस 6 और यहां पे प्लस का 8, तो मतलब 2 आंसर आना था। ठीक है, ये चीज समझ लो, ये क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखेगा, एसएससी में भी दिखेगा ही दिखेगा, ये अच्छा क्वेश्चन है और आता है, तो इसको आपको क्या, इसका बस एक ही तरीका है, आप अच्छे तरीके से देखो अप्रोक्सीमेशन करने जाओगे ना तो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है वो ऑप्शन आपको ऐसे दे, बहुत क्लोज ऑप्शन भी दे सकते हैं, तो जरूरी नहीं है 2 की पावर ही दें, जरूरी नहीं है ना, आपको ट्रेडिशनली आना चाहिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, देखो ये वाला क्वेश्चन मैं बोलूंगा कि इसमें ट्रेडिशनल क्या और आपकी ट्रिक क्या, इसमें तो सीधा सीधा आपको ऑप्शन ही यूज करने पड़ेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, देखो क्वेश्चन है कि x की पावर 6 + 1 / x की पावर 6,
इक्वल्स टू के इनटू, मतलब के क्या होगा कि एक्स की पावर सिक्स प्लस एक्स की पावर सिक्स आ जाए। तो देखो आपको एक चीज पता है कि अगर यहां पे फोर है और यहां पे टू है तभी तो एक्स की पावर सिक्स मतलब पावर प्लस हो जाती है ना, अगर बेस सेम रहता है तभी तो आएगा। अब देखो अगर यहां पे टू है और यहां पे मतलब के की जगह मैं पुट करके देख रहा हूं तो के की जगह टू टू, तो यहां पे तो फोर आएगी, मैक्सिमम पावर सिक्स आ ही नहीं सकती, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। अब यहां पे देखो ये सारे हैं, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, अब मुझे क्या चाहिए, मेरे को यहां पे प्लस का चाहिए, एक और एलिमिनेट कर दूंगा। कैसे, देखो अगर यहां पे नेगेटिव है तो अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव इनटू पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव की पावर एक्स वन अपॉन एक्स की पावर सिक्स मतलब ये नेगेटिव आ जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। बचे दो बस, अब इनमें से कोई एक ऑप्शन आप चूज करिए और अगर वो आ गया तो ठीक, वरना अगला क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो अगर मैं सारे प्लस ले लूंगा, अगर आप स्मार्ट खेलते हो या फिर आपको थोड़ी सी नॉलेज है, अगर सारे प्लस कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ प्लस में ही आएगा, तो ये तो बस मुझे दो ही टर्म चाहिए। और अगर यहां पे भी अगर मैंने दोनों मतलब इसको भी मैं एलिमिनेट कर सकता हूं, कैसे, थर्ड वाले को, कि अगर मान लो यहां पे मैंने तीन टर्म यहां पर है, मतलब मेरी मान लो ए प्लस बी प्लस सी है कुछ भी, और यहां पे भी मेरी ए प्लस बी, तो अगर सब कुछ प्लस में है तो आप अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो दो इससे आ गई, फिर इससे करोगे, तो इस तरीके से आपका सब आपका दो थोड़ी रहेगा, और आपको एलएचएस में तो दो ही चाहिए, तो आप बहुत इजीली इसको मार्क कर सकते थे बी आंसर। लेकिन मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ इसको भी, कि अगर मैंने के की वैल्यू पुट कर दी बी, देखो एक्स की पावर फोर माइनस वन प्लस वन अपन एक्स की पावर फोर, अब आप बोलोगे बी क्यों, अगर आप सी कर लेते अगर वो गलत हो जाता तो बी बचता, तो बी सीक्वेंस में कर रहा हूँ क्योंकि ए और डी मैंने एलिमिनेट कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, RHS पे काम कर रहे हैं हम राइट हैंड साइड पे, ठीक है ना, x की पावर 2 प्लस 1 बाय x की पावर 2, ठीक है। अब इसको इससे करोगे तो क्या आएगा, देखो x की पावर 6 आ गया। अब इसको देखो इसको इससे करा, अब मैं इस वाले को पहले सबसे पूरी ब्रैकेट को ना x स्क्वायर से कर लेता हूं, अब माइनस x स्क्वायर आ गया, फिर यहां पे प्लस का 1 बाय x स्क्वायर आ गया। अब इस वाले को करूंगा पूरी ब्रैकेट से, तो ये आपका आ जाएगा प्लस का x स्क्वायर, ठीक है। अब आगे करोगे तो माइनस का वन बाय एक्स स्क्वायर, और इसको करोगे तो प्लस का वन बाय एक्स की पावर सिक्स। देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो आंसर आपका एक्स की पावर सिक्स प्लस वन बाय एक्स की पावर सिक्स, मतलब कि एल एच एस बराबर आर एच एस है। ये अगर प्रॉपर मेथड से करते तो ऐसे हो जाता, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और मैं आपको बोलूंगा कि वही कि आपको बेस तो आने चाहिए। देखो ऐसा नहीं है कि सारे ही बेस से, लेकिन ये वाला बेस से कर लो, ये वाला भी। अभी एक क्वेश्चन है जिसमें कैच है, वो हम वैसे बाद में डिस्कस अच्छे से करेंगे, लेकिन अभी भी मैं आपको वो करवा देता हूँ, क्योंकि पेपर में अगर आप दे रहे हो तो कैसे करोगे, वो भी आपको आना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे दोबारा। ए की पावर एक्स बराबर बी की पावर वाई बराबर सी की पावर जेड, मान लो ये सब कुछ के इक्वल है, ये दे रखा है, और ए बी सी की वैल्यू वन दे रखी है, वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई प्लस वन अपॉन जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो अगर के की बात है तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ए की पावर एक्स को के इक्वल पुट कर रहा हूँ, या बी की पावर वाई को भी के इक्वल पुट कर रहा हूँ, सी की पावर जेड को भी के इक्वल पुट कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो इसका मतलब क्या है कि ए इक्वल्स टू के की पावर वन बाय एक्स ले लो, बात एक ही है, या तो इसको वन बाय एक्स करोगे तो इधर भी वन बाय एक्स करना पड़ेगा, तो एक्स एक्स कर देगा, और ऐसे ही बी की पावर बी इक्वल्स टू के की पावर वन बाय वाई, और सिमिलरली सी इक्वल्स टू के की पावर वन बाय जेड। बस यहां पे आप पहुंच गए, मान लो फर्स्ट टाइम कर रहे हो आप, तो यहां पे आप पहुंच गए। अब आपको ए बी सी की वैल्यू, अब आपको पता है क्या, ए बी सी वन है, बस वैल्यू पुट करो, के की पावर वन बाय एक्स इंटू के की पावर वन बाय वाई इंटू के की पावर वन बाय जेड इक्वल्स टू वन, ओके। अब के की पावर सारी मतलब ये के बेस सबका के 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 है, तो ये सब प्लस हो जाएंगे, वन बाय एक्स प्लस वन बाय वाई प्लस वन बाय जेड, और यहाँ पे वन है, तो आप इक्वेट कैसे करोगे भाई, यहाँ तो के है, अगर यहाँ पे भी के होता तो आपको पता है अगर किसी की भी वैल्यू अगर मैं जीरो ले लेता हूँ, के की वैल्यू जीरो कर देता हूँ तो वन ही आता है, या किसी भी वेरिएबल की वैल्यू जीरो लेते हो तो वन आता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इस वन को मैं कर सकता हूँ, वन की जगह मैं लिख देता हूँ के की पावर जीरो। अब इसका मतलब क्या है कि जो हमसे पूछा था उसकी वैल्यू जीरो आ गई, मतलब वन अपॉन वहाँ यहाँ पे वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई प्लस वन अपॉन जेड इक्वल्स टू जीरो आ गया, ओके।
आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में कैच है, मैं आपको बता दूं, ये अभी मैं आपको करवा तो रहा हूं, लेकिन एक चीज याद रखिए कि अभी करवा तो रहा जा रहा है आपको, लेकिन ये जब आपको एलजेब्रा पढ़ाया जाएगा ना, मैं बता देता हूँ, जब आपको एलजेब्रा पढ़ाया जाएगा तो आपको इसकी फ्रेमिंग समझाई जाएगी और आपको बताया जाएगा इसमें एक्चुअल में क्या कैच है, ठीक है। अभी के लिए आपको अगर आपने ये क्वेश्चन देखा तो ये क्या है, आप देखो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपको टीडियस लग रही है, तो इस केस में मैं आपको बोलूँगा कि जब ज़्यादा दिक्कत लग रही है तो वैल्यू यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं आपको वैल्यू से करवा रहा हूँ बस ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अब सवाल उठता है कि आप क्या वैल्यू लेंगे, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने देखा यहाँ पे y की पावर p माइनस वन, z की पावर q माइनस वन, x की पावर r माइनस वन, इस तरीके से है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने p की पावर p, मैं क्या करूँगा p q और r ये लेट कर लेता हूँ, ठीक है। मान लो मेरा p टू है, q थ्री है और r फोर है, मैं ऐसे लेट कर लूँगा। और आप क्या कर सकते हो, देखो और भी आप लेट कर सकते हो। रीज़न क्या है, क्योंकि देखो यहाँ पे आपके पास नौ वेरिएबल, नाइन वेरिएबल्स हैं, कैसे ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, और आपको गिवन इक्वेशन कितनी है, वन टू थ्री, तो मैं और तीन वैल्यू ले सकता हूँ। मैंने मान लो कर लिया, मैंने यहाँ पे देखा कि मैंने इसको, मैं चलो मैं आपको कुछ भी, मतलब मैंने एक्स ले लिया यहाँ पे टू, वाई ले लिया मैंने कुछ भी, मान लो आपने फोर ले लिया, जेड आपने फिर से टू ले लिया, कुछ भी, रिपीट भी कर सकते हो। अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने ले लिया, मैंने अब इसमें वैल्यूज पुट करी, मैंने फर्स्ट इक्वेशन देखी, फर्स्ट इक्वेशन मेरी यहां लिख देता हूँ, ए इक्वल्स टू एक्स वाई पी माइनस वन है, ठीक है। आपने क्या करा, तो एक्स की जगह क्या लिखा, टू, वाई की जगह आपने देखा वाई क्या है हमारा, फोर, तो फोर की वैल्यू पी टू माइनस वन, इस तरीके से आपने लिखा। तो अब आपकी वैल्यू क्या निकल गई, देखो एक्स इंटू वाई पी माइनस वन, तो एक्स लिख दिया मैंने इंटू वाई पी माइनस वन, ठीक है ना। तो आपने करा ये टू आ गया, वाई की वैल्यू आपने फोर पुट करी और पी की वैल्यू तो आपने टू मानी थी, तो वन, ये मतलब फोर, ये एट आ गया, ठीक है। दूसरा वाई, अगर मान लो बी निकाल रहा हूँ मैं, बी में क्या है, वाई फोर है, जेड कितना है टू, और क्यू क्या है थ्री माइनस वन, मतलब फिर से ये टू, तो ये टू की पावर टू मतलब फोर, सिक्सटीन आ गया, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, आप मान लीजिए कि अब सी, तो सी की वैल्यू आपने मान ली, सी की वैल्यू कितनी है, जेड है ना, तो टू और यहाँ पे x इंटू टू, आर की वैल्यू थ्री, मतलब ये थ्री, तो आपने देखा ये कितना आ गया, टू, टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, एट टू ज़ा सिक्सटीन, ये ठीक करा ना मैंने, टू की पावर टू, हाँ ठीक करा। अब आपने जैसी वैल्यू निकाली, अब आप पूछो ये क्या बोल रहे हैं, ए की पावर q माइनस आर, बी की पावर r माइनस पी, सी की पावर p माइनस क्यू, ठीक है। ए की पावर, अब a मेरा कितना है, आपने निकाला एट, और क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर, ये तो माइनस वन हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं हमारे क्या क्या बैठती है बात। और अब यहाँ से आपने इनटू, मतलब एट की पावर माइनस वन का मतलब वन अपॉन एट आ जाएगा ना, क्या दिक्कत है। बी क्या है, सिक्सटीन, आर माइनस पी, आर माइनस पी तो टू, ये तो टू आ गया, आर माइनस पी, ठीक करें, इंटू सी, सी सिक्सटीन है फिर से, और यहाँ पे कितना आएगा, पी माइनस क्यू, तो टू माइनस वन, तो माइनस वन फिर से आ गई। तो आप एक्चुअल में एट की पावर माइनस वन को वन अपॉन एट लिखोगे, यहाँ पे सिक्सटीन लिखोगे, यहाँ पे भी सिक्सटीन लिखोगे, यहाँ पे वन अपॉन सिक्सटीन लिखोगे, तो ये कट गया और यहाँ पे आपका टू आ गया। अब टू जो आ रहा है मेरा, किस चीज़ से टू आ रहा है, देखो ये सही करा ना, 16 इंटू सिक्सटीन, मतलब आपने यहाँ पे 16 इंटू सिक्सटीन, ये वन अपॉन। अब ए बी सी से अगर मैं ए बी सी करता हूँ तो 2 आएगा, नहीं आएगा। एक्स वाई जेड करते हो अगर आप, एक्स वाई जेड 2 इंटू फोर इंटू टू करते हो, तब भी आपका 2 नहीं आता, और अगर आप जीरो तो आपका आ ही नहीं रहा, इनमें से कोई नहीं, तो आप मार्क करोगे इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक क्वेश्चन और आया हुआ था अलजेब्रा से, वो भी कर लेते हैं। देखिए अब जो अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, इसको मैं दो मेथड से करा दूं, एक तो ट्रेडिशनल मेथड से और मैं आपको मतलब एक ट्रेडिशनल मेथड मेथड वन और आपको एक और मेथड जिसमें वैल्यू पुटिंग मेथड भी करवा देंगे, ठीक है ना। सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड कर लीजिए आप। देखिए अगर ये क्वेश्चन किया आपको साफ दिख रहा है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, आपको दे क्या रखा है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू जीरो है और आपका बी स्क्वायर माइनस सी ए इंटू सी स्क्वायर माइनस। अब देखो अगर मैं इसको ओपन करूं, इस वाली जो गिवन चीज को है, मैं ओपन कर रहा हूं, देखने की जरूरत नहीं, आपको दिख रहा है कि अगर मैं देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि बी स्क्वायर माइनस सी ए इंटू, मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख रहा हूं जो आप पेपर में लिखोगे भी नहीं क्योंकि इसके नीचे ये तीनों चीज आ गई, मतलब ये पूरा का पूरा आ गया, ठीक है। प्लस आगे लिखोगे ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू सी स्क्वायर माइनस ए बी, फिर से तीनों चीजें आ जाएंगी ये वाली, मतलब मैं इसको मान लो ये तीनों चीजों को स्टार बोल रहा हूँ मैं, मान लो ये स्टार है तो यहाँ पे भी स्टार आ गया, यहाँ पे भी स्टार आ गया, ठीक है। प्लस लास्ट वाली टर्म ये दोनों में ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी और यहाँ पे भी स्टार आ गया, ठीक है ना। अब देखो नीचे तीन है ऊपर दो है और सेम सेम है तो एक बचेगी। अब देखो क्या क्या बच रहा है, आपका नीचे हमेशा एक बचेगा तो मैं देख रहा हूँ कि बीस इनमें से बी स्क्वायर माइनस पहले वाली में ये दोनों कट गई तो बचा नीचे वाला, तो ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी सी बच गया। प्लस दूसरे वाले में ए स्क्वायर सी वाला बी वाला बचेगा तो प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए सी लिख दिया। प्लस नेक्स्ट वाले में ए बी वाले तो सी वाला बचेगा, मैं आपको पहले ट्रेडिशनल मेथड से बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो बी सी की वैल्यू क्या पुट होगी, देखो यहाँ पे देखो आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है कि ये अगर यहाँ से मैं बी सी निकालता हूँ बी सी या फिर माइनस बी सी निकालता हूँ तो ये वाला उधर चला जाएगा तो माइनस बी सी ये दोनों प्लस में आएंगी ए बी प्लस सी ए। सिमिलरली अगर मैं ए सी निकालता हूँ माइनस ए सी निकालता हूँ तो ये वाला इधर बाकी दोनों मतलब ए सी उधर चली गई तो ए बी प्लस बी सी। सिमिलरली ए बी निकालते हो माइनस ए बी निकालते हो तो बी सी प्लस सी ए आ जाएगा तो बस पुट कर दो। क्या पुट करोगे, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस सी ए प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस माइनस का माइनस प्लस यहाँ पे क्योंकि माइनस है ना, इस पूरे की वैल्यू पुट कर रहा हूँ ए बी प्लस बी सी प्लस वन अपॉन सी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ए बी कितना है बी सी प्लस सी ए। ओके अब देखो यहाँ पे देखो ए ए ए तीनों में है बी 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 तीनों में है तो यहाँ पे वन अपॉन ये ए कॉमन ले लिया तो ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ पे बी कॉमन ले लिया तो फिर से ए प्लस बी प्लस सी और फिर से सी कॉमन ले लिया तो ए प्लस बी प्लस सी। ओके नाउ सब में ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है तो पूरा बाहर आ गया ए प्लस बी प्लस सी बाहर आ गया, अंदर क्या बचा वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी, बस खत्म क्वेश्चन। कैसे, अब देखो अगर आप इसको एलसीएम लोगे, मैं इतना पोर्शन लिख रहा हूँ बस, बाकी जो मल्टीप्लाई में है वो तो रहेगा ही कि यहाँ पे आपने लिखा ए बी सी तो यहाँ पे बी सी प्लस और ए सी प्लस सी है तो ये तो जीरो, अगर कोई भी वैल्यू जीरो आ गई तो जीरो इंटू समथिंग तो जीरो आंसर आना था आपका, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, अगर आप वैल्यू पुट कर रहे हो, मान लो आपने वैल्यू पुट कर दी तो इस चीज में आप नोट कर लो कि मल्टीपल आप किसी का भी ले सकते हो बट इस तरीके से वैल्यू लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मैं जैसे बता रहा हूँ, ठीक है। वैल्यू पुटिंग भी आप अगर लेना चाहते हो जैसे ए बी यहाँ पे लिख देते हैं, चलो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है ना, तो आप ये चाहते हो कि भाई जीरो है तो मैं क्या करूँगा, मेरे को पता है कि इन दोनों का किसी दो का मल्टीपल नेगेटिव होना चाहिए एक पॉजिटिव होना चाहिए तो जीरो कब आएगा, मान लो मैंने क्या करा मैंने ए को वन मान यहाँ पे लिख देते हैं ए को वन मान लिया, अगर मैं ए को वन मान लेता हूँ तो मुझे बी की वैल्यू माइनस टू और सी की वैल्यू भी माइनस टू। देखो ये वैल्यू आप एक तरह से आप इसको मेमोराइज भी कर सकते हो कि यही मानना है जब इस तरीके से गिवन होता है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब देखो आप अगर ऐसे पुट करके देखोगे तो यही आएगा कैसे, वन इंटू माइनस टू यहाँ पे माइनस टू आ गया, ये प्लस का फोर आ गया माइनस टू, तो ये सब जीरो वैलिड हो गया कि जीरो आ रहा है। बस अब आप वैल्यू पुट करिए इसमें या आप पूरे में पहले पुट कर सकते हो बड़े के बड़े में, लेकिन इसमें पुट कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि वन अपॉन यहाँ पे पुट कर दूँ कि आपके सामने, चलो वो भी कर लेते हैं, ठीक है कि यहाँ पे आ जाएगा वन
माइनस बी सी मतलब यहाँ पर देखते हैं वन और माइनस माइनस बी सी मतलब ये पॉजिटिव फिर नेगेटिव तो माइनस फोर हो गया मतलब ये वन ये आ जाएगा और आप उसके बाद देखो वन अपॉन यहाँ पे फोर प्लस टू फिर से वन अपॉन यहाँ पे फोर प्लस टू तो मेरा ये तो आ गया माइनस वन अपॉन थ्री और ये वन अपॉन सिक्स प्लस वन अपॉन सिक्स तो वन अपॉन सिक्स प्लस वन अपॉन सिक्स कितना हो जाएगा ये माइनस वन अपॉन थ्री एज इट इज ये प्लस का वन अपॉन थ्री तो जीरो। आप ऐसे भी कर सकते थे लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप इस तरीके से कीजिए। अगर आपने इस तरीके से कर रखा है ना तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन आप वर्बल मार्क कर सकते थे क्योंकि आपको ना दिख जाएगा कैसे दिख जाएगा आप देखोगे यार ये तो कट रहा है और आपका फिर से आप देखोगे पुट करूंगा तो मेरा ए बी प्लस बी प्लस सी बाहर आ जाएगा और आपको दिखने लग जाएगी चीजें आपको एक तरह से पूरा पूरा पिक्चर बन जाएगी। जैसे छोटे में बोलते थे ना भाषा चित्रात्मक है तो मैथ्स भी चित्रात्मक हो जाएगी आपको लगेगा कि यार ये तो बात बन गई ठीक है। और अगर आपको ये ठीक लग रहा है सही लगा आपको तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं आप फेसबुक ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे मैंने आपको बता दिया आप ऐसे भी सर्च कर सकते हो नहीं ये तो मेरा है कि अभास अंडरस्कोर सैनी लेकिन आप अगर ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो आप एट द रेट वर्बल मैथ अंडरस्कोर अभास तो भी मिल जाएगा ठीक है। तो ये चीज़ है आपकी और मैं आपको बता दूं कि मैं इस टाइम पे ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ मैं आपको सीरीज पढ़ा चुका हूँ मैं आपको कोऑर्डिनेट चैप्टर पढ़ा चुका हूँ पूरा का पूरा और आपको जो ज्योमेट्री मैं पढ़ा रहा हूँ इस टाइम पे 24 क्लासेस आ चुकी हैं अभी भी क्लासेस रहती हैं तो आप अच्छे से पढ़िए मन लगा के पढ़िए जो आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं वो आप प्रैक्टिस सेट भी अच्छे से कीजिए। चलिए थैंक यू सो मच क्लास ओवर।